विद्या की देवी माँ सरस्वती मंदिर, बासर आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर बसा बासर शहर विद्या की देवी मां सरस्वती का पावन तीर्थ है। आदिलाबाद आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक जिला है, जहां मौर्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट, मुगलों, मराठों आदि ने शताब्दियों तक राज किया। आदिलाबाद का नाम बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के नाम पर रखा गया है। आदिलाबाद जिला आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमाएं उत्तर में महाराष्ट्र के यवतमाल और चंद्रपुर जिलों से और दक्षिण में आंध्र प्रदेश के निजामाबाद और करीमनगर से मिलती हैं। ये स्थान सिटी ऑफ कॉटन के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रकृति की गोद में बसा ये एक खूबसूरत स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बरबस ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। इसी से आकर्षित होकर हजारों पर्यटक हर वर्ष यहाँ आते हैं। आदिलाबाद के बासर को देवी सरस्वती का घर माना जाता है। बासर में बना विद्या की देवी सरस्वती माता का ये मंदिर एक विशाल हरे भरे परिसर में स्थित है। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े फलदार पेड़ लगे हैं। मंदिर प्रांगण में जगह जगह पर सुंदर और लुभावने उपवन बनाए गए हैं, जिनमें रंग बिरंगे फूलों की छटा आंखों को मोहित करती है। विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती प्रकृति की भव्य सुंदरता के साथ यहाँ विराजित हैं। दूर से ही मंदिर का गुंबद श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर का संगमरमर का बना ऊंचा सफेद गुंबद इस मंदिर की सुंदरता को चार चांद लगाता है। मंदिर का गुंबद पारंपरिक दक्षिण भारतीय शैली में बना है, जिसे यहाँ पर गोपुरम भी कहते हैं। गोपुरम पर की गई सुंदर कलाकृति को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे बनाने वाले कलाकार के हाथों में निश्चित ही सरस्वती माता जी का साक्षात वास रहा होगा। मंदिर के निकट पहुंचते ही सबसे पहले ऊंची पहाड़ी पर स्थापित विद्या की देवी मां सरस्वती जी की विराट प्रतिमा के दर्शन होते हैं। ये मूर्ति इतनी ऊंचाई पर बनी है कि मंदिर के कलश के साथ दूर दूर से नजर आती है। खुले आकाश के नीचे ध्यानमग्न मुद्रा में बैठी मां सरस्वती की इस चतुर्भुज प्रतिमा के दूर से ही दर्शन पाकर भक्तगण धन्य हो जाते हैं। मां सरस्वती की इस प्रतिमा पर सुंदर रंगकारी की गई है। देवी सरस्वती की ये विराट मूर्ति यहाँ उनकी अखंड और अलौकिक सत्ता से परिचय कराती है। माता की मूर्ति के अभय मुद्रा में उठे दाहिने हाथ की हथेली पर ओम लिखा है। और बाएं हाथ में उन्होंने अमृत कलश लिया हुआ है। शेष दोनों हाथों से ज्ञान का वरदान देती हुई माँ सरस्वती कमल के फूल पर आसीन हैं। माँ सरस्वती का ये अलौकिक रूप अत्यंत मनमोहक एवं दर्शनीय है। मंदिर के आसपास के लुभावने दृश्य को देखकर मन निहाल हो उठता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में मंदिर के भीतर विराजमान माता सरस्वती के दर्शन करने की इच्छा जागृत हो जाती है। सड़क मार्ग से सटी सीढ़ियों से होकर श्रद्धालुगण मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं।
ढके हुए गलियारे को पार कर बाईं ओर मुड़ने पर लोग मुख्य मंदिर में पहुंचते हैं। गर्भगृह में माँ सरस्वती की धातु की बनी आकर्षक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यहाँ माँ सरस्वती चांदी के मंडप में विराजमान हैं। माँ की प्रतिमा के आगे उनकी चरण पादुकाएं रखी हैं। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से माँ सरस्वती की चरण पादुकाओं का रोली और अक्षत से पूजन कर उनकी कृपा दृष्टि पाने की मनोकामना करते हैं। शरदिंदु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी वासरा पीठ ने लिए सरस्वती नमोस्तुते। बासर में विद्या की देवी सरस्वती माता का मंदिर बनने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास ऋषि शुकदेव के साथ अपने शिष्यों को लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शांति की तलाश में तीर्थ यात्रा पर निकले। वे घूमते विचरते हुए दंडकारण्य में यहाँ आकर रुके। गोदावरी के तट पर स्थित रंग बिरंगे फूलों से भरी इस जगह की खूबसूरती को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। गोदावरी के उत्तर में स्थित कुमारांचल पर्वत श्रेणियों के प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। गोदावरी में स्नान करके वे भक्ति भाव से यहाँ माँ शारदा सरस्वती की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे वत्स, तुम हर दिन गोदावरी नदी में स्नान करो और उसके बाद 3 मुट्ठी रेत 3 जगहों पर विधि विधान के साथ स्थापित करो, जिसमें मैं सत्व रजो और तम गुणों से भरी श्री ज्ञान सरस्वती, श्री महाकाली एवं श्री महालक्ष्मी के रूप में अवस्थित हो जाऊंगी। ये तीनों रूप मेरे ही होंगे। चूंकि वेद व्यास ने यहाँ काफी समय प्रार्थना में बिताया था, इसलिए इस स्थान को बसरा कहा जाने लगा। बाद में मराठी में इसका नाम बासर पड़ गया। हालांकि ब्रह्मानंद पुराण के अनुसार वाल्मीकि ऋषि ने यहाँ माँ शारदा की स्थापना की और बाद में रामायण की रचना की। यहाँ बने एक मंदिर में उनकी संगमरमर की मूर्ति स्थापित है और मंदिर के समीप उनकी समाधि भी बनी है। इतिहास ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख है कि कर्नाटक के राजा बीजा लाड़ू ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में माँ शारदा की पद्मासन मुद्रा में 4 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। माँ शारदा की प्रतिमा को साड़ी पहनाई गई है। उनके मस्तक पर मुकुट शोभायमान है। फूल मालाओं में सजा उनका रूप आराधकों को सम्मोहित करता है। माँ शारदा अपने हाथों में वीणा थामे हुए हैं। माँ की चरण पादुकाएं यहाँ उनके प्रकट होने की पुष्टि करती हैं। कई भक्तजन यहाँ अपने बच्चों का अक्षर अभ्यासम समारोह करवाते हैं। ज्ञान की देवी को वे किताबें कलम पेंसिल आदि चढ़ाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। मंदिर में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना सुबह 4:30 बजे अभिषेकम से शुरू होती है, जो 1 घंटे तक चलती है। 5 बजे पुजारी माँ का अलंकरण शुरू करते हैं, जिसमें माँ सरस्वती को नई साड़ी पहनाई जाती है। माँ का फूलों से श्रृंगार किया जाता है। सुबह 6 बजे सूरज की पहली किरण के साथ आरती शुरू होती है। आरती के समापन के बाद भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया जाता है। मंदिर में दिन भर भक्तों की भारी भीड़ जमा रहती है। माता का पूरे दिन पूजा पाठ किया जाता है। शाम को 7:30 बजे महाआरती शुरू होती है और ये आरती 8:30 बजे तक चलती है। बहुत से भक्त यहाँ रात्रि में ठहर कर माता के नाम का मंत्र जाप इत्यादि किया करते हैं। संसार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाली माता सरस्वती की उत्पत्ति की कथा बहुत ही अद्भुत है। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वो अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर उसको पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई।
इनके एक हाथ में वीणा थी एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। माँ सरस्वती के इस मंदिर में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तथा माता महाकाली अति सुंदर रूप में विराजमान हैं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तथा माता महाकाली की ये प्रतिमाएं गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर दर्शाई गई हैं। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तथा माता महाकाली आदि शक्ति के तीन रूप हैं। माँ लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है तो माँ शारदा को विद्या और ज्ञान की देवी तथा महाकाली को आसुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। इन तीनों देवियों का रूप मन को पवित्र कर देने वाला है और मन में भक्ति भाव को जागृत कर देने वाला है। आदिलाबाद के बासर क्षेत्र में बने माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में देश के सभी क्षेत्रों से भक्तगण दर्शन करने को आया करते हैं। सदियों पुराने इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। मंदिर के अंदर भगवान दत्तात्रेय जी की अति सुंदर मूर्ति विराजित है। मूर्ति के समक्ष ही भगवान दत्तात्रेय की खड़ाऊ रखी हुई है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आदि देवों की शक्ति का रूप माने जाते हैं। उनके साथ गाय की प्रतिमा भी है। गाय का भी हिंदू धर्म में अपार महत्व है। गाय में सारे देवताओं का वास माना जाता है। जिस वृक्ष के नीचे दत्तात्रेय जी की मूर्ति विराजित है उसके आगे शीश झुकाने से दुखियों का दुख दूर हो जाता है और निसंतान दंपतियों को इस वृक्ष का स्पर्श कर संतान की इच्छा व्यक्त करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। मंदिर में आने वाले सभी आराधक माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी तथा माँ महाकाली के दर्शन कर दत्तात्रेय भगवान की पूजा अर्चना किया करते हैं। माँ सरस्वती के इस मंदिर में भक्तगण बच्चों के अन्न प्राशन, अक्षराभ्यास अर्थात विद्या आरंभ, कुमकुम अर्चना, कोटि पूजा, सत्यनारायण पूजा आदि के लिए आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर नारियल के साथ साथ माँ को साड़ी चढ़ाते हैं। यहाँ भक्त मंदिर के पिछले हिस्सों में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए दीवार पर सिक्के लगाते हैं। यदि सिक्का दीवार से चिपक गया तो भक्त मान लेते हैं कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होने वाली है। माता जी का मंदिर है ना, बहुत पुराना मंदिर है ये। यहाँ जो भक्त जो आते हैं ना, तो उसकी जब जो कोई मनोकामना होती है वो पूरी की जाती है। कहते हैं कि माँ के मंदिर में रात को विश्राम करने पर माँ अति प्रसन्न होती हैं। इसलिए हर दिन सैकड़ों भक्त मंदिर के परिसर में चाहे जाड़ा हो या बरसात या फिर गर्मी, हर मौसम में रात्रि को ठहर कर माँ की भक्ति का आनंद लिया करते हैं। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वो संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती का आशीर्वाद लेने हर साल वसंत पंचमी पर बसों में भर भर कर स्कूली बच्चे यहाँ आते हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए होटल, लॉज, गेस्ट हाउस
और धर्मशालाएं हैं। मंदिर परिसर के पास बड़ा बाजार है, जहां पूजा की सामग्री के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें, धार्मिक पुस्तकें, दीपक आरती जैसी वस्तुएं, भजन और मंदिर के ऑडियो वीडियो कैसेट भी बिकते हैं। खाने पीने की दुकानें और छोटे होटल भी हैं। सरस्वती माता के मंदिर में आना हर प्रकार से सहज है। बासर सिकंदराबाद मुंबई रेलवे लाइन पर स्थित है। सिकंदराबाद स्टेशन पर हर सवारी एवं एक्सप्रेस गाड़ी रुकती है। सिकंदराबाद बासर के बीच लगभग 190 किलोमीटर की दूरी है। निजामाबाद से बासर की दूरी कुल 40 किलोमीटर है। निजामाबाद होकर भी रेल मार्ग से बासर आ सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा बासर सिकंदराबाद नांदेड़ मार्ग पर स्थित है, जिसकी दूरी लगभग 210 किलोमीटर के आसपास है। बासर के लिए हैदराबाद से राज्य परिवहन निगम की बसें चलती हैं। हवाई मार्ग से आने के लिए निकटतम हवाई अड्डा नांदेड़, नागपुर, औरंगाबाद एवं सिकंदराबाद है। वहां से सड़क मार्ग द्वारा बासर पहुंचा जा सकता है। वीणा वादिनी माँ शारदा की जय।